नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के करंट अपडेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2022 और 23 जो अभी वर्तमान में सुर्खियों में चल रहा है, इसकी डिटेल जाननी है हमने। करंट के जो मंथली अपडेट्स हैं वो हम मंथली टू मंथली डाल ही रहे हैं वीडियो, लेकिन उसके अलावा जो कुछ विशेष टॉपिक हैं इसकी डिटेल भी आपके सामने आ रही है, ताकि उत्तराखंड में आने वाले समय में पीसीएस मेंस, आरओ मेंस वगैरह में जो भी आपके लाइक क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा उम्मीद बढ़ जाएगी करंट के मैटर से संबंधित। चलिए देखते हैं कि कब मिलने शुरू हुए शैलेश मटियानी पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कितने लोगों को इस बार दिए गए हैं, और इससे पहले क्या क्या रहा रिकॉर्ड। बीच में कोविड की वजह से 2019 और 20 के अवार्ड नहीं दिए गए थे, और उसका भी यहाँ पर डिटेल होने वाला है, और शैलेश मटियानी से संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले 2023 में जो सम्मानित किया गया 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं सामान्यतः, तो इस बार 17 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के अवसर पर, और राज्य के राज्यपाल द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये इनकी घोषणा वैसे फरवरी 2023 में हुई थी, हर साल उसके बाद फिर पुरस्कार जो दिए गए हैं वो 5 सितंबर 2023 को, वैसे 2022 के हैं लेकिन 2023 को मिले हैं, हर बार ऐसे होता है। और जो प्रश्न इस बार के 17 जो टीचर्स हैं उनका डिटेल आने वाला है, और इनका वितरण कहाँ हुआ है तो राजभवन देहरादून। अब थोड़ा सा डिटेल हो जाए किस किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार से संबंधित बिंदु, कुछ खास बातें जो शैलेश मटियानी पुरस्कार से संबंधित हैं यहाँ पर, उसमें ये कि उत्तराखंड किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर किस क्षेत्र में दिए जा रहे हैं, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षकों को दिया जाने वाला एक प्रकार का विशेष पुरस्कार है। क्यों? छात्रों के हित में किए गए उत्कृष्ट कार्य और उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। मतलब शिक्षकों को छात्रों के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए या उनके ऑल ओवर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हो रही है और तब से यह हर साल सभी राज्य के सम्मानित शिक्षकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। कितनी राशि दी जाती है इसमें शैलेश मटियानी पुरस्कार के तहत? फिलहाल शैलेश मटियानी पुरस्कार की धनराशि को 10,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है, और फिर 2022-23 का मतलब जो 23 में दिया गया और है 22 का कि राज्य स्तरीय शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए इनमें से बेसिक शिक्षा के यानी प्राइमरी एजुकेशन के 10 टीचर्स को और माध्यमिक के 6 और एक प्रशिक्षण संस्थान के टीचर्स को सम्मानित दिया गया है, यानी टोटल 17 हो गए। थोड़ा सा उनकी डिटेल भी हम लोग यहाँ पर रखा हुआ है, तो जैसे प्राइमरी टीचर्स हैं जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित 10 शिक्षक हैं, उनमें कौन किस क्षेत्र से हैं तो थोड़ा सा पौड़ी गढ़वाल से आशा बुढ़ाकोटी, उत्तरकाशी से संजय कुमार कुक्साल, देहरादून से उषा गौड़ और हरिद्वार से संजय कुमार। नेक्स्ट नाम टिहरी से उत्तम सिंह राणा और चंपावत से रविन्द्र चंद पंचोली, बागेश्वर से सुरेंद्र चंद सती, पिथौरागढ़ से गंगा आर्य और अल्मोड़ा से जसोदा कांडपाल और नैनीताल से डॉक्टर आशा बिष्ट। ये 10 प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में जो टीचर हैं उनको सम्मानित किया गया है, और ऐसे माध्यमिक शिक्षा में योगदान के लिए जो अध्यापक सम्मानित किए गए उनमें से उत्तरकाशी से लोकेंद्र पाल सिंह, देहरादून से संजय कुमार जी और पिथौरागढ़ से दमयंती चंद, बागेश्वर से त्रिभुवन चंद और अल्मोड़ा से डॉक्टर प्रभाकर जोशी तथा उद्धम सिंह नगर से निर्मल कुमार। ये 6 नाम माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किए गए हैं, और एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेंद्र सिंह धपोला जी को सम्मानित किया गया है। ये टोटल 17 नाम हमारे पास थे शैलेश मटियानी पुरस्कार। थोड़ा सा और इससे आगे बढ़कर कुछ और जो प्रश्न है, इससे पहले का क्या रिकॉर्ड रहा है शैलेश मटियानी पुरस्कार का? हमने लिखा है कि 2009 में इनकी शुरुआत हुई है और शिक्षकों को मतलब विशेष उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जा रहा है। तो इससे पहले मैंने कहा था कि 2019 और 2020 के शैलेश मटियानी पुरस्कारों का डिटेल नहीं है, क्योंकि ये कोविड की वजह से नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर शैलेश मटियानी पुरस्कार 2018 का रिकॉर्ड, तो 18 में टोटल 19 शिक्षकों को दिए गए थे, यानी 2018
18 में जो शैलेश मटियानी पुरस्कार मतलब 2019 में मिला हुआ, मतलब सॉरी 2018 का जो मिला हुआ, तो 19 शिक्षकों को दिया गया था, और ऐसे ही 2021 का तो ये टोटल 20 शिक्षकों को दिया गया, ये 20 टीचर्स को दिया गया। इन सबको यानी 2018 और 2021 का 2022 में मिला था, और टोटल कितने शिक्षकों को एक साथ दिया गया था, 39, इनको जोड़ा आपने 39 आ गया। मतलब ये है कि 2018 में 19 शिक्षकों को, 21 में 20 शिक्षकों को, और इन सबका पुरस्कार देने का साल था 2022, और जिसमें टोटल 39 शिक्षकों को दिया गया। जब आप नेट से सर्च कर रहे होंगे तो कहीं कुछ लिखा होगा, कहीं कुछ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इस वजह से मैं इसको ऐसे सेट कर दे रहा हूँ। तो टोटल 2022 में 39 शिक्षकों को दिया गया, 2018 और 21 के लिए था, तो 2019 और 20 का नहीं था कोविड की वजह से, तो टोटल हो गए 39, इस बार टोटल 17। चलिए एक और, इसी प्रकार जिस प्रकार उत्तराखंड में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार भारत में राष्ट्र के स्तर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है हर साल, और इस साल यानी 2023 में, 2022 के लिए 2023 में जो उत्तराखंड के एकमात्र शिक्षक सम्मानित किए गए हैं उनका नाम भी हमारे पास है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से दौलत सिंह गोसाई जी को सम्मानित किया गया है, जो मूलतः झंडी चौड़ कोटद्वार पौड़ी के मूल निवासी है, कोटद्वार के मूल निवासी, और अभी वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज सिद्धिखाल में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं। इनको राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड के एकमात्र शिक्षक है, इसलिए इंपोर्टेंट होता है प्रश्न, ठीक है। यानी राज्य और राष्ट्रीय 5 सितंबर 2023 को जो पुरस्कृत किए गए हैं जो शिक्षक, वो सब नाम आ रहे हैं। और इसके अलावा जिनके महान कार्यों की वजह से उत्तराखंड में 2009 में शैलेश मटियानी पुरस्कार दिए जा रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में हो जाए, कहाँ के थे मूलतः, 14 अक्टूबर 1931 में वो जन्म हुआ था बाड़े छीना अल्मोड़ा में, और मूल नाम शैलेश मटियानी का रमेश चंद्र सिंह मटियानी है, और इनका पहला उपन्यास जो काफ़ी हिट था, बोरीवली से बोरी बंदर तक, मुंबई में अपने संघर्ष की गाथा के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है उसमें, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास इनका हौलदार है, और 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। अच्छा, इनके द्वारा उल्लेखनीय योगदान, उत्तराखंड का आंचलिक लेखक भी कहते हैं इनको, ऐसे अंचल विशेष की रचनाओं के लिए कहीं पर ये भी आपको शब्द मिलेगा कि उत्तराखंड के आंचलिक लेखक, लेखक ही नहीं बल्कि उपन्यासकार, साहित्यकार, लेखक सभी हैं शैलेश मटियानी, इन्हीं के सम्मान में। जो हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार थे, उपन्यास भी थे, अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष साहित्य साधना में उन्होंने लगाए थे, वो उपन्यासकार के अलावा साहित्यकार, गीतकार, कहानीकार सभी थे शैलेश मटियानी, और कई निबंध और प्रेरणादायक संस्मरण भी उनके द्वारा लिखे गए हैं, और उत्तराखंड कुमाऊं विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी उनकी कई रचनाएँ हैं, अभी वर्तमान में भी, पहले भी थी। देख लेते हैं उनकी कुछ रचनाओं पर, यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं उनकी आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे जंगल में मंगल, मेरी 35 कहानियाँ, दो दुखों का एक सुख, कागज की नाव, किसके राम कैसे राम, और चंद औरतों का शहर, ये ऐसी रचनाएं जो उनके पूरे साहित्यिक जीवन में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं, उनमें से कुछ छांट के हमने यहाँ पर कवर कर रखी हैं। एक मुट्ठी सरसों, जंगल में मंगल, मुठभेड़, छोटे छोटे पंछी, कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीए के सिलेबस में शामिल है। दो बूंद जल, तीसरा सुख, गोपुली गफूरन, ये तो उनकी मिक्स टाइप की रचना हमने एक साथ लिखी है, लेकिन हिंदी के दृष्टिकोण से देखा जाए, अभी तो हम लोग जीएस के या शैलेश मटियानी के करंट अफेयर के टॉपिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर हिंदी के हिसाब से पढ़ा जाए तो वहाँ पर उपन्यास कौन से निबंध हैं, कौन से स्टेप से रहता है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश की गई कि उनके प्रमुख उपन्यास एक साथ लिखे जाएँ। तो बोरीवली से बोरी बंदर उनका महत्वपूर्ण पहला उपन्यास है, उसके अलावा कबूतर खाना, हौलदार, मुख सरोवर के हंस, और उगते सूरज की किरण, ये इनके प्रमुख उपन्यास। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही उपन्यास है, और भी हैं बहुत सारे उपन्यास, लगभग 29-30 उपन्यास हमने लिखे थे। प्रमुख लोक कथाएँ, कुमाऊँ की लोक कथा और डोटी प्रदेश की लोक कथाएँ, ये उनकी कथाएँ हैं। प्रमुख पत्रिकाओं में विकल्प और जनपक्ष, ये उनकी प्रमुख पत्रिकाएँ हैं। और सम्मानित जो, हालांकि भारत के जैसे व्यास, ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी पुरस्कार उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन उत्तराखंड के आंचलिक लेखक के रूप में उनकी बहुत बहुत महत्व था, और
इसके अलावा उन्हें जो अवार्ड दिए गए अभी 1977 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उनकी कहानी महाभोज के लिए, प्रेमचंद को उपन्यास कहानीकार या कहानी सम्राट भी कहा जाता है, वैसे उत्तराखंड में उन्होंने जो योगदान दिया है महाभोज कहानी के लिए उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1983 में फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें भारत मैला आंचल की एक महत्वपूर्ण रचना थी इनकी मैला आंचल, और इसके लिए फणीश्वर नाथ रेणु को कई अवार्ड भी मिले थे, और इसी की वजह से फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक सम्राट भी कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड का आंचलिक लेखक अगर कहा जाए तो वो शैलेश मटियानी जी होंगे, इसीलिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1983 में। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली थी, मानद उपाधि मिली थी उन्हें, और 1990 यानी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2000 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, और 2001 में इनकी मृत्यु हुई। ये था एक छोटा सा टॉपिक, करंट की अपडेट्स से संबंधित टॉपिक। इसके अलावा वर्तमान में तीलू रौतेली पुरस्कार वगैरह भी सम्मानित किए गए, इससे पहले कि वीडियो में हमने उनका पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अब जब जब भी हमें ऐसी ज़रूरत पड़ेगी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रकार के विशेष टॉपिक्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका विशेष रूप से एक्सप्लेन करेंगे इनको। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।